जिसकी लाठी। एक किसान जानवरों की हाट में से एक भैंस खरीद कर ला रहा था। रास्ते में वह सोच रहा था कि भैंस के दूध से उसे क्या क्या लाभ होंगे। तभी सामने से एक चोर आ गया। उसके हाथ में मोटी सी लाठी थी। चोर ने किसान का रास्ता रोक लिया और बोला, यह भैंस मेरे हवाले कर दो। किसान बोला, भाई यह भैंस तो मैंने हाट से 8,000 नगद देकर खरीदी है, इसलिए यह भैंस मेरी है, इसे मैं तुम्हें क्यों दे दूं? चोर बोला, तुमने वह कहावत नहीं सुनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस? मेरे पास लाठी है, इसलिए यह भैंस मेरी है। किसान ने उसे समझाने का एक और प्रयत्न किया। वह बोला, देखो भाई, किसी की कीमती चीज उससे मुफ्त में लेना बहुत बुरी बात है। अगर तुम भैंस लेना ही चाहते हो तो एक काम करो, भैंस को मुझसे लाठी के बदले में खरीद लो। चोर को यह बात अच्छी लगी। वह बोला, लाओ भैंस की रस्सी मुझे पकड़ाओ और यह लो लाठी। किसान ने वैसा ही किया। भैंस की रस्सी लेकर चोर दो ही कदम आगे बढ़ा था कि किसान ने उसे ललकारा, रुक बे चोर, वापस कर मेरी भैंस, नहीं तो इसी लाठी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। चोर चकराया, मुड़कर बोला, अरे किसान भाई, यह भैंस तो मैं तुमसे लाठी के बदले में खरीद चुका हूँ, तो अब यह भैंस तुम्हारी कैसे हो गई? किसान हंसकर बोला, उसी तरह जैसे तुमने कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी मेरे हाथ में है, इसलिए भैंस भी मेरी ही है। और हाँ, मुझे अब भैंस को लाठी के बदले में खरीदना भी नहीं, इसका मूल्य तो मैं हाट में पहले ही दे चुका हूँ। यह कहकर चोर को पीटने के लिए किसान ने जैसे ही लाठी उठाई, वैसे ही चोर दुम दबाकर भागा। किसान हंसता हुआ लाठी और भैंस के साथ घर पहुंचा। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया बुक्स का दीवाना।